आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। आज हम इस वीडियो में 28 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो सभी पीटीयू की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए कल दिया था, इसका आंसर हम देखते हैं। इस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबूचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है, तो इसका आंसर है अनीता कुंडू, और इस पर्वत की ऊंचाई है 6119 मीटर। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मियामी ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर है ह्यूबर्ट हरकज ने। और दूसरा क्वेश्चन है, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर है बाबर आजम। और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और एक तीसरा क्वेश्चन है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, भाई किस देश में आयोजित किए गए थे, इसका आंसर है पोलैंड। और एएमएफ में पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी है वार्सो, और पोलैंड की करेंसी है पोलिस जुलेटी। और चौथा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्व अनुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा, तो इसका आंसर है यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्व अनुमान सुपर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ऑफिस द्वारा यूके में बनाया जाएगा, और यह तूफान बाढ़ बर्फ सहित खराब मौसम के बारे में यह बताएगा, और यह दुनिया का 25 सुपर कंप्यूटरों में से एक होगा। चलिए तो नेक्स्ट, और यूके की राजधानी है लंदन, और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के पालपा जिले में 3 शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, तो इसका आंसर है नेपाल, और एएमएफ में नेपाल, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली। और छठवां क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में अपने स्वयं के अक्षीय स्टेशन को लॉन्च करने की उम्मीद की थी, तो इसका आंसर है रूस, और ए मैप में रूस, और रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। और सातवां क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किस देश ने टॉप किया है, तो इसका आंसर है भारत, और भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ राइफल पिस्टल और शॉटगन विश्व कप में मेडल टेबल में पहला स्थान हासिल किया है, और इंडियन टूर्नामेंट में 12 स्वर्ण 7 रजत और 6 कांस्य समेत 25 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो इसका आंसर है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। और नौवां क्वेश्चन है, आरबीआई ने निजी बैंक के एमडी और सीईओ के कार्यकाल के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सीमा लगाई, इसका आंसर है 70 वर्ष। और दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने बेंचमार्क ब्रांड जारी किए हैं, तो इसका आंसर है 1.5 बिलियन। और विश्व पवन रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल पवन क्षमता कितनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।